अमृतपाल सिंह नूं लै के पंजाब च एक बार फिर हलचल तेज़ हो गई है। दरअसल सूत्रां दे हवाले तो खबर आ रही है कि अमृतपाल सिंह जल्दी ही पंजाब दे विच आ सकता है। तो इहनूं लै के कल हुशियारपुर दे विच एक वड्डी रेड भी हुई, तो इस वेले भी रेड उत्थे चल रही है, लेकिन उस तो बाद श्री हरिमंदर साहब जिहड़ा है पुलिस वल्लों सख्ती कर दित्ती गई है। तो तस्वीरां तुहानूं असीं हरिमंदर साहब दीआं दिखा रहे, तुसीं देखो हैरीटेज स्ट्रीट दे उत्ते इस वेले विशेष तौर के उत्ते पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इस दे नाल नाल सिविल ड्रेस दे विच पुलिस के अधिकारी दे रहे ने इस वेले पूरे इस इलाके दे विच काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो असीं इस वक्त हरिमंदर साहब के बाहर जिहड़ा प्लाजा है उत्थे खड़े हाँ, तो उत्थों की तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं कि प्लाजा दे विच कोई भी व्यक्ति अगर अंदर आ रहा है तो उसकी गंभीरता नाल उहदे ते एक अख रखी जा रही है। इस करके रखी जा रही है किते कोई भी व्यक्ति इस तरह की हलचल ना कर जाए या कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो जाए, तो उसनों लैके सुरक्षा के कड़े इंतजाम ने। दूसरे पास जिहड़े रस्ते ने उत्थे तुहानूं दस्सण लगे हैं कि अक्सर जिहड़े ये रस्ते होंदे ने पैदल चलण वास्ते होंदे ने, लेकिन उत्थे किस तरीके दे नाल पुलिस की तैनाती की गई है तुसीं देखो कि पुलिस के आला अधिकारी इत्थे मौजूद ने और वख-वख इलाके च सर्च कर रहे ने। जिस तरीके दे नाल एक्टिविटी वधी है, क्योंकि जिस तरह हुशियारपुर दे विच मामला सामने आया सी कि पुलिस नूं एक इनोवा बरामद हुंदी है जिहदे विच चाहे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इनोवा गड्डी भी बरामद कर दित्ती गई, लेकिन उस तो बाद जिहड़ी सख्ती है हुण इत्थे वधदी हुई नज़र आ रही है। तो हैरीटेज स्ट्रीट दे विच वी तुसीं देख सकदे हो कि हैरीटेज स्ट्रीट तों जदों ही तुसीं इस मुख मार्ग राही दरबार साहब वल आउंदे हो तां अचानक तुहानूं रस्ते दे विच बहुत सारे पुलिस दीआं गड्डियां मिलणगियां। तां इस दे विच इस तों इलावा होर भी कई पुलिस दे अधिकारी जिहड़े ने इत्थे जिहड़े ने तुहानूं नज़र आणगे, लेकिन फिलहाल पुलिस नूं जिहड़ा है सिविल ड्रेस दे विच पुलिस नज़र आ रही है। तां तस्वीरां तुहानूं असीं अमृतसर तों सांझियां कर रहे हां। हुण असीं तुहानूं इक एरियल व्यू दिखाने हां, तो किसी तरीके दे नाल तुहानूं दिखाने कि किस तरीके दे नाल पुलिस इत्थे अपनी मोनीटरिंग कर रही है। तो बकायदा तौर दे उत्ते जिहड़े बैरीकेडिंग भी की जा रही है, तो उसकी तस्वीर तुहानूं सांझी करदे आ सी। तुसीं देखो कि प्लाजा के बाहर बकायदा तौर दे उत्ते पुलिस दे आला अधिकारी भी मौजूद ने, होर भी जिहड़े अफसर ने वह भी मौजूद ने। तो दूसरे पास जिहड़ी बैरीकेडिंग वह भी कर दी गई है। इस तों इलावा गड्डियां देखो तुसीं पुलिस दे विच जिहदे विच की बैरीकेड्स रखे गए ने ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी तरीके का कोई व्यक्ति ना आ सके, तो उसनों लैके जिहड़ा है इत्थे सुरक्षा दे कड़े इंतजाम किए गए ने। तो अमृतसर दीआं तस्वीरां लगातार तुहानूं सांझियां कर रहा सी। तो तुसीं देखो कि प्लाजा दे बाहर इत्थे अक्सर कई बार गड्डियां दी एंट्री हुंदी है, लेकिन अज उत्थे एंट्री बिल्कुल बंद कर दित्ती गई है। तो ये इस वेले सूरत हाल जिहड़ा है प्लाजा बिल्कुल जो कि हरिमंदर साहब के बाहर है उसके बाहर तुहानूं दिखा रहे हैं। तो वख-वख टीमां वख-वख मीडिया के अधिकारी भी इत्थे पहुँचे ने, तो बकायदा तौर के उत्ते रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस तरह के सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही है कि कोई वड्डी अपडेट हो सकती है, तो उस दे विच जिहड़ा है किस तरीके दे नाल तुसीं देखो कि ये विशेष गड्डियां जिहड़ियां इत्थे बुलाईआं गईआं ने जिहदे विच कि बैरीकेडिंग रखी गई है कि कल नूं अगर किसी भीड़ नूं रोकना होवे तां पुलिस दे अधिकारियों की मीटिंग भी तुसीं देखो कि छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच जिहड़ी है मीटिंग की जा रही है। तुसीं देखो कि पुलिस दे अधिकारी अपने जिहड़े थल्ले ऑफिसर्स ने उन्हां नूं बकायदा तौर दे उत्ते डायरेक्शन देंदे हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके दे नाल अगर किसी तरह की कोई स्थिति बनती है तो उहदे उत्ते काम किवें कीता जा सके। तुसीं देखो बकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शन पास कीतियां जा रही ने, तो इस इंस्ट्रक्शन दीआं तस्वीरां तां दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल एक्टिविटी पंजाब पुलिस की वधदी हुई नज़र आ रही है और सारी फोर्स जिनी भी है चाहे ट्रैफिक पुलिस है चाहे होर भी कमिश्नरेट पुलिस है उसनों इतने तैनात कर दिया गया है। तो इस वेले तुसीं देखो कि यह सारा एरियल व्यू, तो तुसीं देखो कि बैरीकेडिंग किस तरीके लिया गई है। तो इतने इस बैरीकेडिंग लिया का एक मकसद है कि कल नूं किसी तरह की भी कोई भीड़ पैंदी है या रश हुंदा है या कुछ भी लोगों रोकने की लोड़ पे अगर कोई व्यक्ति इतने आते हैं तो उन्होंने बैरीकेडिंग ला के रोकया जा सकता है। तो ये तस्वीर तुहानूं असीं अमृतसर तो दिखा रहे हैं, तो तुसीं देखो कि किस तरीके दे नाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद ने। तो बकायदा तौर के उत्ते बैरीकेडिंग भी दिखा रहे हैं, आस पास पुलिस की गड्डियां तुसीं देखो अमृतसर पुलिस कमिश्नर दी गड्डियां ने, तो फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो अमृतसर की तस्वीर है, तो सिविल ड्रेस के पुलिसकर्मी नज़र आएंगे तुहानूं, क्योंकि जो लोग लोकल वसनीक ने उन्होंने ये चीज़ा नज़र आएंगी, लेकिन प्लाजा के बाहर पूरी जी इस वेले गर्म जोशी जी है पुलिस की वो नज़र आ रही है। और फिलहाल इस बारे कोई अपडेट नहीं है, लेकिन फिलहाल दसिया जा रहा है कि जिस तरह हुशियारपुर की घटना हुई है क्योंकि उत्थे एक इनोवा मिली है, उस तो बाद पुलिस को खदशा सी कि उत्थे अमृतपाल है, तो उस तो बाद अमृतपाल अमृतसर भी मूव कर सकता है, अमृतपाल होर कितने भी जा सकता है, लेकिन उस तो लैके क्योंकि सब तो इंपोर्टेंट सिटी जरा बनता है वो अमृतसर ही बनता है, तो इस करके अमृतसर सब तो नेड़े है क्योंकि फगवाड़े तो जिस तरीके अगर गल करिए घटना भी तकरीबन 12 घंटे तो भी वाधा समा हो चुका है। तो इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई सन कि अमृतपाल
किते होर जा सकता है। तो इसनू लैके किस तरीके के इंतजामात ने सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी गई, क्योंकि बीते दो तीन दिन कुछ सुरक्षा के कटौती की गई सी, लेकिन हुण जिस तरीके हुशियारपुर की घटना वापरती है तो हुशियारपुर की घटना तो बाद अचानक जिहड़ा है सुरक्षा तंत्र कड़ा कर दिता गया है। तो इस कड़े सुरक्षा तंत्र की तस्वीर तुम दिखा रहे हैं। तो अमृतसर के बाहर तुम देखोगे पुलिस किस तरह तैनात की गई, सिविल ड्रेस भी ने, तो होर भी जोड़े पुलिसकर्मी इतने बिल्कुल एक पैनी नज़र जोड़े रखे हुए हैं। तो उन्होंने मकसद यही है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। अगर कोई भी किसी तरह की हिकमत अमली होंगी है या कोई भी इतने अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको रोकया भी जा सकता है। और दूसरे पासे हरिमंदर साहब के जिहड़े बाकी रस्ते ने वो भी तुम दिखाने, जिहड़े होर रस्ते जिहड़े दूसरे पासे जाते, क्योंकि हरिमंदर साहब का एरिया बहुत बड़ा है, तो उसको लैके जिहड़े होर भी रस्ते ने उत्थे भी सुरक्षा तंत्र मजबूत है। तो किस तरीके हर इलाके दे विच और मुख द्वार जरा है हरिमंदर साहब का यही है, घंटाघर जरा रस्ता होंदा है, तो उस रस्ते ते पुलिस फोर्स जिहड़ी है तैनाती की गई है। तो फिलहाल तुम दसना चाहवांगे कि ऑपरेशन अमृतपाल नूं लैके इस वेले सब तो वड्डी अपडेट है कि अमृतसर च अचानक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उस कड़े सुरक्षा के इंतजाम की एक तस्वीर तुहानूं असीं सांझी कर रहे, एरियल व्यू दिखा रहे हैं। तुसीं देखो कि हर पुलिस स्टेशन की जिहड़ी भी गड्डी है, बकायदा पुलिस मोटरसाइकलों के उत्ते तुसीं देखो कि पेट्रोलिंग करती नज़र आ रही है। तो पेट्रोलिंग करने का मकसद यही है कि किसी भी कोई भी घटना तो जरा है ऐसा ना कोई कर सके जिद कि कोई घटना वापर सके। और तुम देखो कि पुलिस स्टेशन दिया गड्डिया ने भी इतने ने, तो जड़े जड़े रस्ते ने उत्थे चारे पासे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो अमृतसर दे विच तुहानू तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बार फिर प्लाजा दिखावांगे, सचखंड श्री हरिमंदर साहब का जरा घंटाघर का रस्ता है, उत्थे पुलिस की नफरी एकदम वधा दी गई है। की कारण है, बहुत सारे जिहड़ियां ने इस वेले लगाइया जा रही ने कि अमृतपाल इतने आ सकता है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम जिहड़े ने इत्थे कर दिए गए हैं। असीं सारे एरिए अपना ट्रैफिक प्रबंधी काम कर रहे हैं और साडा लॉ एंड ट्रैफिक कट्ठा मेंटेन चल रहा, इस दे तहत काम कर रहे हैं। ट्रैफिक नूं लैके तुहाडी एक्सरसाइज काफ़ी दिनों तो चल रही थी, पर अज अचनचेत बीती देर रात तो ही एक गल चर्चा का विषय बनी कि सैकड़े मुलाजम तैनात किए गए हैं, बैरीकेडिंग की गई है और लगातार पुलिस वालों पेट्रोलिंग सपोर्ट जा रही है। देखो पेट्रोलिंग चल रही है साड़ी ट्रैफिक के, सारे तुम सू देखो ना, असं रूट वाइज क्लीयर कर रहे हैं और साडा सारा मोटिव यही है कि जिहड़े जिन्नी संगत आ रही है उन्होंने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना। अमृतपाल नूं लैके अमृतपाल नूं लैके जा रहे हैं, नहीं देखो तुम जो मर्जी कह सकते हैं, जे उन्हें कितने भी आना तो गवर्नमेंट नूं आके साडे को पेश हो सकता, कोई इदां दी प्रॉब्लम वाली गल नहीं, सानूं इहदे बारे कुछ नहीं करना चाहिए जी, इहनूं गवर्नमेंट दे पेश होना चाहिए। अगर उन्होंने लग रहा कोई किस तरह की मतलब एवं भजना फिरना कहदे वास्ते, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम आ वो अपनी गवर्नमेंट तो पेश हो गए। नहीं जी साड़ी सिक्योरिटी ऑलरेडी चल रही, सारे पूरे शहर से साड़ी सिक्योरिटी चल रही जी। पूरे शहर लॉ एंड ऑर्डर और वधिया ट्रैफिक का देना, असीं पिछले दिनों तो लगातार तुहाडे नाल पूरे जुटे हुए हैं, दिन रात वर्क कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह दा लेटेस्ट सीसीटीवी इस गल्ल अमृतपाल पेश होवे, अमृतपाल गवर्नमेंट दे पेश होना चाहिए अमृतपाल नूं। सर सीसीटीवी इस गल्ल चेक कीती जा रही, क्योंकि सीसीटीवी वायरल हो रही है ने कि कितने कितने कि ऐसा नहीं चल रहा जी, मैं भी देखिया जिवें तुसीं दस रहे हैं, मैं भी देखिया आ तो उन्हें पेश हो जाना चाहिए। सादी वर्दी में, क्योंकि अगर ट्रैफिक व्यवस्था आपने ठीक करनी है तो उसमें सादी वर्दी में पुलिस तैनात नहीं करती। नहीं मेरे साथ जितना भी 250 आदमी सारा वर्दी में था, मैं तो अभी मत्था टेकने आया हूं इसलिए मैं सिविल कपड़े। 250 बंदा आपने लगाया है यहां? नहीं 250 आदमी हमारा ट्रैफिक का पूरा शहर में काम कर रहा है इस एरिया में। जी तो पैरामिलिट्री फोर्स लगाई है? नहीं पैरामिलिट्री फोर्स साड़ी शहर के दरबार साहब वाले पास कोई नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स साड़ी शहर वर्क कर रही है और साढ़े को ऑलरेडी मिली हुई आर एफ वगैरह वो दिन रात अपना वर्क कर दी है। चर्चावां च सच्चाई है कि अमृतपाल सिंह इत्थे आ रहे हैं तस्वीर तुहानूं असीं सांझी कीती है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा नूं लैके पंजाब पुलिस सतर्क है, क्योंकि अगर गल करिए पिछली बार जिस तरीके दे नाल अजनाला घटना वापरी सी तो उस तो बाद पंजाब दे विच एकदम माहौल बदल गया सी, तो उस दे विच पुलिस हुण अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करती नज़र आ रही है, लेकिन इंतजार है कि कदों अमृतपाल के उत्ते सस्पेंस खत्म होएगा ताकि एक सच सामने आ सकेगा कि आखिरकार अमृतपाल कित्थे है। कैमरामैन अजय सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।